अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? कुदसिया हमजा बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस ठीक है, बस 2 मिनट हम रुकते हैं ताकि और बच्चे भी ज्वाइन हो जाएं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले तो जरा मुझे ये बताओ हमजा कि जो मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था वो किया या नहीं किया? हमजा साहब, होमवर्क किया आपने? आई थिंक नहीं किया, तभी खामोश है, आवाज नहीं आ रही। यस जो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था वो किया आपने? सर क्यों नहीं किया भाई? अगर होमवर्क नहीं करोगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी बच्चों? सर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। अच्छा, चलो फिर कोई मसला नहीं, जब फिजिकल क्लासेस में यहाँ पे आ जाओगे तब सिखा दूंगा। कुत्सिया भाई आप बताइए, बच्चे आपने किया होमवर्क? क्यों, आपने क्यों नहीं किया भाई? अच्छा सर वो है ना, कंप्यूटर भी गया हुआ है। हाँ कहाँ गया हुआ, घूमने? अच्छा, जी नहीं नहीं मैंने शायद नारायण कागान गया वो बर्फबारी देखने। नहीं ओके अच्छा, चलो जब आ जाए तो कर लेना बेटा, ठीक है? ओके सर ओके, ये बाकी बच्चे आ जाएं, एक दो बच्चे और आ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है बच्चों, ओके सर ओके अच्छा जी, चलें जब तक और बच्चे ज्वाइन करते हैं, हम जो है वो अपना पिछला जो काम था थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे का काम शुरू करेंगे जब तक और बच्चे भी आ जाते हैं। ठीक है जनाब? तो भाई हमने पिछली क्लास के अंदर MS वर्ड हमने स्टार्ट किया था, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 3 अबाउट ऑफिस ऑटोमेशन। So in the previous lecture, beta, we have discussed about the basic functions of the MS Word software. So first of all, we have discussed about the programs that are available in the MS Office package. So I have explained about them in detail in the previous lecture. So in short, let's move towards the previous lecture, which we have taken on the MS Word. तो भाई MS Word के हवाले से हमने सबसे पहले डिस्कस किया था पेज लेआउट टैब को। तो पेज लेआउट टैब के अंदर जो थीम्स का ऑप्शन है हमने उसको भी डिस्कस किया था, साथ ही जो है वो मार्जिन्स को भी डिस्कस किया था, साथ ही जनाब हमने फिर उसके बाद पेज लेआउट को भी डिस्कस किया था। अच्छा, मैं आपको एक जो है वो सैम्पल के तौर पे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में जब बताया था तो थीम का जो हमारा ऑप्शन था वो काम नहीं कर रहा था, है ना, MS वर्ड के अंदर। तो मैंने कहा था कि कुछ जो वर्ड के क्या कहते हैं मॉडल्स होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ वर्ड के जो वर्जन सॉरी PC के जो वर्जन होते हैं कुछ सपोर्ट करते हैं कुछ नहीं करते। तो लिहाजा मैं आज आपको एक काम करता हूँ कि MS पावर पॉइंट के अंदर मैं आपको थीम्स जो है
वो चेंज करके दिखाता हूँ कि शायद पावर पॉइंट के जरिए आपको थीम्स का जो फंक्शन है वो शायद समझ में आ जाए। एक मिनट, शायद यहाँ मौजूद हो हमारे पास। हाँ, डिजाइन्स जो है ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डिजाइन के ऑप्शन के अंदर ये सारे बनी हुई आ रही हैं। दिख रही है ऊपर मेरा एरो दिख रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ, यही होती हैं थीम्स, ठीक है ना। तो अब मैं जैसी थीम चाहूं अपने पेज की कर सकता हूँ। जैसे देखो ये कलर चेंज हो रहा है मेरे पेज का, थीम जैसे चाहूं मैं ये चाहूं ये कर सकता हूँ। मैं इस टाइप की थीम चाहूं इस टाइप की थीम लगा सकता हूँ, ये चाहूं ये कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी स्टाइल्स होते हैं, थीम्स होती हैं बेसिकली, जो कि अलग अलग कलर्स की होती हैं। अब कलर की भी मैं इसके अंदर अपने पास से कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। ये देखो मैंने डिजाइन जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, अब कलर्स में चाहूं तो कलर्स में अपने पास से यहाँ से आके मैंने कलर सेलेक्ट कर लिए कि भाई कलर जो है वो ये हो जाए, या कलर जो है वो मेरे पास इस टाइप का आ जाए, ठीक है ना। तो इसी को बेसिकली थीम्स कहा जाता है। तो ये थीम्स हैं जो कि एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर के अंदर भी मौजूद होती हैं, लेकिन वो हर सिस्टम के ऊपर काम नहीं करती। तो बेसिकली इस वजह से हम उसको आज डिस्कस पिछले लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन थीम्स जो है ना वो बेसिकली ज्यादातर जो यूज होती हैं वो जो हमारा पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है ना उसके अंदर ज्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे देखो अभी तक हमारी स्लाइड की जो थीम थी वो अलग थी, अब जो हमारी स्लाइड्स की थीम है वो अलग आ गई कि राइट साइड पे अलग डिजाइनिंग बनी हुई आ रही है खूबसूरत। तो ये बेसिकली थीम्स का काम होता है कि थीम के आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो फॉन्ट स्टाइलिंग हो रही है ये फॉन्ट मौजूद है, इस फॉन्ट का साइज भी चेंज हो सकता है, इफेक्ट्स भी इसके चेंज हो सकते हैं। तो ये बेसिकली थीम का काम होता है। सिमिलरली एमएस वर्ड के अंदर भी थीम का ऑप्शन मौजूद होता है, उसके अंदर भी आप पेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज इस तरह कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन इनेबल इस तरह से नहीं होता हर सिस्टम के अंदर, कंपेटेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हमने फिर मार्जिन्स को डिस्कस किया था, फिर हमने ओरिएंटेशन, मार्जिन्स जो है क्या होती है कि लेफ्ट और राइट का जो गैप होता है और टॉप और बॉटम का जो गैप होता है उसको मार्जिन्स कहा जाता है, तो हमने मार्जिन्स को भी डिस्कस किया था। फिर पेज ओरिएंटेशन की, यानी ऐसे में पेज आए लैंडस्केप में या ऐसे पोर्ट्रेट के अंदर पेज आए, तो ये ओरिएंटेशन है। फिर पेज की साइजिंग मैंने बताया था कि A4 और लीगल जो नॉर्मल साइज है वो इस्तेमाल होता है। फिर कॉलम का फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि जो कॉलम का फंक्शन है उससे हम एक ही पेज पे तीन तीन कॉलम्स के अंदर काम कर सकते हैं। फिर ब्रेक का मैंने बताया था कि भाई ये ब्रेक का जो बटन आप दबाएंगे तो ब्रेक के बटन से क्या होगा कि पेज जो है वो वहीं पर रुक जाएगा और आपकी लाइन जो है अगली वो अगले पेज पर चली जाएगी। तो लाइन नंबर का फंक्शन मैंने बताया था कि इससे हर लाइन पर लाइन नंबर आ जाता है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फंक्शन मौजूद है अगला, वॉटरमार्क का, पेज बैकग्राउंड ग्रुप जिसको कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है वॉटरमार्क, एक है पेज कलर, एक है पेज बॉर्डर। तो ये हमने पिछले हफ्ते डिस्कस नहीं किया था, तो आज जो है वो हम इन्हीं तीन चीजों पर बात करेंगे, ठीक है जनाब। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट शेयर, एमएस वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लेआउट की टैब के अंदर आ गए भाई। अब लेआउट की टैब में आने के बाद सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें करना ये चाहिए कि हम जनाब सबसे पहले अपना जो हमारा पेज का साइज है पहले हमें उसको सेट करना चाहिए, ताकि बाद में प्रिंटिंग के टाइम मसला नहीं हो। अगर हमने पहले पेज का साइज सेट नहीं किया, मिसाल के तौर पे पेज हमारे पास है A4 और प्रिंट हमें करना है लीगल पे, या हमने जो बना लिया सारा वो लीगल लेटर पे बना लिया और निकालना है लीगल पे, तो जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? सारा खराब हो जाएगा, आधा कट जाएगा। हाँ, सारा कट जाएगा, साइडों से कट जाएगा, लाइनें आगे पीछे हो जाएंगी, सारी फॉर्मेटिंग हमारी खराब हो जाएगी। तो लिहाजा सबसे पहला काम साइज पे आकर, जो बेसिक नॉर्मली साइज यूज होता है वो A4 होता है, तो हमने पहले A4 का साइज सेलेक्ट कर लिया भाई कि हमें A4 पे काम करना है। अब उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे मार्जिन के, भाई मार्जिन जो है वो हमें कम से कम रखनी है। तो लास्ट कस्टमाइज मार्जिन 0.2 मौजूद है, हमने वही ले ली कि भाई टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह से जो मार्जिन्स हैं वो 0.2 होनी चाहिए। अब ओरिएंटेशन हम चाहे तो लैंडस्केप कर सकते हैं, चाहे तो हम जो है वो ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट। तो अभी हम जो काम करेंगे वो लैंडस्केप के ऊपर करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने पोर्ट्रेट पे काम किया था, तो आज हम लैंडस्केप पे काम करेंगे भाई, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन हमने
लैंडस्केप रख ली, साइज भी सिलेक्ट कर लिया। अब बात यह है कि हमें कॉलम्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो ऐसी नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई नंबरिंग करनी होगी या हमें बच्चों के नामों की लिस्ट बनानी होगी तब हम कॉलम का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है तो हम कॉलम को अभी यूज नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैंने लाइन नंबर का फंक्शन भी बताया था कि लाइन नंबर से जो है वो हर लाइन के आगे नंबर बना हुआ आ जाता है, लेकिन ये फंक्शन भी इसके अंदर अभी काम नहीं कर रहा, सॉरी ये फंक्शन जो है अभी लाइन नंबर का अभी काम नहीं कर रहा हमारे पास, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन वैसे लाइन नंबर से हर पेज की यहाँ पे शुरू में जो है लाइन नंबर बना हुआ आ जाता है, लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बना हुआ आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद पैराग्राफ का मैंने आपको बताया था। अच्छा भाई ये बताओ मुझे, इस पैराग्राफ का जो ऑप्शन है इसका फंक्शन क्या है मुझे बताओ हमजा। बताइए हमजा बेटा, बताइए भाई इस पैराग्राफ के ऑप्शन का फंक्शन क्या है। किसी को नहीं पता, भाई किसी को तो याद होगा, किसी को भी नहीं याद। हसन, हुसैन सर, पैराग्राफ का ऑप्शन इसलिए होता है कि एक लाइन के अंदर जितना आ सके फिर उसके आगे। देखो मिसाल के तौर पे नेक्स्ट लाइन, हाँ मैं बता, देखो ये एक लाइन मौजूद है हाईलाइट किए मैंने, ठीक है ना। अब इसके ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के दरमियान कुछ गैप मौजूद है या नहीं है? गैप होता है ना सर, गैप को डिस्कस करते हैं इसके अंदर। हाँ, गैप को कम या ज्यादा हम इस फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ मैं पैराग्राफ के ऑप्शन में आया और मैंने बिफोर भी जीरो कर दिया, आफ्टर को भी मैंने जो है वो जीरो कर दिया, और यहाँ मल्टीपल को मैंने सिंगल कर दिया कि भाई सिंगल रखना है और बिल्कुल फंक्शन जो इनके दरमियान स्पेसिंग है खत्म करनी है। देखें क्या स्पेस कम हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। यस सर, हाँ यही पैराग्राफ का फंक्शन है। तो अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, वैसे यहाँ भी मौजूद है, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, मैंने बढ़ाना चाहा बढ़ा दिया, मैं जो हूँ मजीद इसको बढ़ाना चाहूँ मजीद बढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है ना, कि भाई शुरू में भी आखिर में भी हर जगह स्पेस बढ़ाना है, तो मैंने इसको बढ़ा दिया। अब लेफ्ट राइट का मतलब है कि इधर ये जो शुरू हो रहा है यहाँ पे जो छोटा सा गैप आ रहा है इसको मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, तो देखो कितनी दूर चला गया यहाँ से, ठीक है ना। इसी तरह से मैं अब इसको कर देता हूँ 1 मिसाल के तौर पे, तो 1 से देखो 1 इंची का गैप यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 करना चाहूँ तो 2 इंच का गैप आ जाएगा, समझ आ रही है ना। तो लेफ्ट राइट का जो ऑप्शन है पैराग्राफ के अंदर, याद रखो मार्जिन अलग है पैराग्राफ अलग है। मार्जिन के अंदर भी हमने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डिस्कस किया था, और यहाँ भी जो है हम लेफ्ट और राइट को डिस्कस कर रहे हैं, तो लिहाजा हमने जब खत्म करना है तो हमने इसको जीरो कर दिया, और जब जीरो करेंगे तो इसकी स्पेसिंग जो है लाइनों के दरमियान की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सेलेक्ट ऑल किया और सारी स्पेसिंग हमने जीरो कर दी, तो सबका साइज जो था वो ऑटोमेटिकली यहां से आके सिंगल किया और इसको जीरो, यहां से हमने इसको सेलेक्ट ऑल किया। सेलेक्ट ऑल करने के बाद पैराग्राफ में आके हमने इसको जीरो किया, यहां से हमने इसको सिंगल किया, ओके कर दिया, तो देखो लाइनों के दरमियान का जो स्पेस था वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है भाई, सेलेक्ट ऑल और यहां से आकर जीरो और यहां से सिंगल और कर दिया, ये सारी का स्पेसिंग जो था इनके दरमियान का खत्म हो गया। ठीक है भाई, तो यहां तक का तो हमने स्टडी कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज है, पोजीशन और रैप टेक्स्ट। अच्छा जरा मुझे कुत्सिया बेटा, आप मुझे ये बताओ कि जो ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है ये हमें यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, बताइए जरा क्यों शो नहीं हो रहा, ये अभी छुपा हुआ क्यों है? सही याद था मुझे भी।
किसको याद है, जिसको याद है वो बताओ कि भैया अभी एनेबल हमें क्यों नहीं हुआ, ये छुपा हुआ यहाँ पे सर, क्योंकि पिक्चर नहीं है आपके पास। शाबाश, क्योंकि हमारे पास पिक्चर नहीं है। ये जो पोजीशन और रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ना, ये हमारे पास काम तब करता है जब हमारे पास पिक्चर मौजूद हो। अभी पिक्चर मौजूद नहीं है तो लिहाजा ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब हम कोई पिक्चर अपने पास से उठाकर डाल के देखते हैं भाई, जैसे मिसाल के तौर पे कोई पिक्चर हम उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ICS का लोगो हम ले लेते हैं भाई। ये आ गया हमारे पास ICS का लोगो, ठीक है ना। अब ये लोगो देखो, मैं एरो पकड़ के इसको मूव कर रहा हूँ, ये देखो यहां से मूव करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसको, लेकिन मूव नहीं हो रहा मुझसे। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि ये अभी लॉक हुआ हुआ है, ठीक है ना। अब दो तरीके हैं इसको यहां से मूव करने के, या तो मैं पोजिशन में आके इसको सेलेक्ट करने के बाद पोजिशन में आके इसकी पोजिशन सेट कर दूं कि भाई कौन सी पोजिशन में इसको रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, सेंटर में रखना है, लोअर बॉटम पे रखना है, लोअर लेफ्ट बॉटम पे रखना है, लोअर राइट बॉटम पे रखना है, यहां से सेट कर सकता हूँ। या अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं फ्रीली अपने एरो के साथ मूव कर सकूं, कि मैं क्लिक करके इसको जहां चाहूं घुमा सकूं, उसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट के ऑप्शन में आके बिहाइंड टेक्स्ट। जब मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दूंगा, फिर मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं इसको अपने एरो के साथ कहीं भी मूव कर सकता हूँ। वरना अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं टॉप एंड बॉटम पे आ जाऊं या मैं किसी भी इस पे आ जाऊं ऑप्शन पे, तो ये थ्रूली मूव तो करेगा, ये फ्रीली मूव तो करेगा। लेकिन अगर मैं किसी टेक्स्ट के पास इसको लेके जाऊंगा, किसी मैं इसको जो लाइंस लिखी हुई है वहां लेकर जाऊंगा, तो ये उसकी सेटिंग खराब कर देगा, उसको बिगाड़ देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरी लाइनें हैं ये उसके बैकग्राउंड में आ जाए, ये उसके साथ आ जाए और लाइनें भी खराब ना हो, तो उसके लिए मुझे रैप टेक्स्ट में आके बिहाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन करना पड़ेगा, तब ये मेरी लाइंस को खराब नहीं करेगा और मैं किसी भी वर्ड के, किसी भी अल्फाबेट्स के बैकग्राउंड में इसको ले जा सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये क्लास 9 का ऑप्शन है, ठीक है ना। देखो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ICS के हेड के अंदर क्लास 9 लिखा हुआ है, ये देखो आ गया, नहीं आ गया है ना। लेकिन अगर यहाँ मैंने इसको टेक्स्ट रैप को मैंने बिहाइंड टेक्स्ट नहीं किया हुआ होता, कुछ और किया हुआ होता, तो मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं ला सकता था। देखो इसके आने की वजह से, इसको मूव करने की वजह से टेक्स्ट खराब हो रहा है, तो लिहाजा बेहतर यही है कि हम रैप टेक्स्ट के ऑप्शन में आके बिहाइंड टेक्स्ट करें, फिर हम जहां लगाना चाहें इस लोगो को, इन वर्डिंग्स को, हम बआसानी वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है भाई। एक तो बात ये आ गई। अब एक और ऑप्शन मैंने बताया था ग्रुप का, ये ग्रुप का ऑप्शन ये मौजूद नहीं आ रहा। अब तो तस्वीर भी मौजूद है, तो भाई ग्रुप का ऑप्शन, दो तस्वीरें होनी है। शाबाश, जबरदस्त हमजा, मुझे लग रहा है आपने अच्छी तरह से लेक्चर सुना था और आपने प्रैक्टिस भी की थी। बिल्कुल सर, मैं हसन हूं। हाँ अच्छा, हसन, सॉरी बेटा, मुझे आवाज असल शक्ल सामने नहीं है तो कंफ्यूजन हो रही है। तो भाई ये ग्रुप का ऑप्शन जो है वो तब एनेबल होता है जब हमारे पास तस्वीरें दो हों। जब दो तस्वीरें होती हैं और हमने दोनों को सेलेक्ट किया हुआ होता है, तब देखो ये ग्रुप का ऑप्शन एनेबल हो जाता है। और इस ग्रुप का मतलब ये होता है कि इन दोनों तस्वीरों को एक साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी जब मैं मूव कर रहा हूँ तो या तो मैं एक तस्वीर मूव कर सकता हूँ या दूसरी मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों तस्वीरें एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। तो जब मैं मूव करूं तो दोनों तस्वीरें एक साथ मूव हों, तो मैंने जो है वो इसको सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, और ग्रुपिंग के अंदर देखो ग्रुप के ऑप्शन में आके ग्रुप का एक और ऑप्शन मौजूद है, इसको कर दिया। अब जब मैंने ग्रुप का ऑप्शन कर दिया तो देखो ये दोनों पैक हो गए, वरना पहले क्या था, पहले जो है ये दोनों की लाइनें देखो अलग अलग बनी हुई आ रही थी, ये अलग बना हुआ आ रहा था, ये अलग बना हुआ आ रहा था। लेकिन जब मैंने ग्रुप के ऑप्शन में आके इनको ग्रुप पैक कर दिया, तो अब ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए। अब मैं आसानी के साथ इसको जब मूव करूंगा तो ये दोनों एक साथ उठा के मूव में कर सकता हूँ। समझ आ गई बच्चों बात? यस सर। ठीक है, अब सर, हमें पूछना था, जैसे हमारे एक लाइन लिख रहे हैं, सही है सर, लाइन लिखने उसके बाद हमें दूसरी लाइन पे जाना है तो किस ऑप्शन से जाएंगे? एंटर से। देखो यहाँ पे ये लाइन लिख रहे हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ तक पहुंचे, अब हम चाह रहे हैं कि दूसरी लाइन में, तो एंटर का बटन होता है ना, एंटर का बटन दबाओगे अगली लाइन का ऑप्शन आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना, अगली लाइन का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ तक आने के बाद, ठीक है ना, आप नेक्स्ट पेज पर चले जाओ, आप अगले पेज पर काम करो, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है CTRL यानी कंट्रोल और एंटर, ये आप दबाओगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। देखो दोबारा मैं करके बताता हूँ कि यहाँ मैं मौजूद हूँ,
मैंने कंट्रोल सीटीआरएल का जो बटन होता है वो दबाया और साथ ही उसके दबाए रखे मैंने एंटर भी दबा दिया, तो देखो नेक्स्ट पेज पर मैं आ गया, दिख रहा है नेक्स्ट पेज शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट पेज पर आते हैं और नेक्स्ट लाइन में आने के लिए खाली एंटर का बटन इस्तेमाल होता है कि एंटर का बटन जितनी बार दबाऊंगा उतना ही मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आता जाएगा। ठीक है भाई, देखो ये मैं एंटर दबाता जाऊंगा और मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में, ये देखो एंटर दबाता जाऊंगा नीचे आता जाएगा, सही है बच्चों, इस तरह से। अच्छा जनाब, तो अब ये यहां तक की तो बात हो गई, अब मैं बात करता हूं पेज, जरा मैं आपको थोड़ा ताकि समझ में आ जाए बात, इसलिए पेज का साइज ओरिएंटेशन में लैंड पोर्ट्रेट कर देता हूँ ताकि आपको एक चीज समझ में आए। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मौजूद था, एक मिनट पहले मैं इसको अनग्रुप कर दूं और अनग्रुप करके एक तस्वीर कर लूं ताकि हमें बात सही से समझ में आ जाए। अनग्रुप कर दिया और एक तस्वीर मैंने हटा दी, एक तस्वीर मौजूद है, ठीक है ना, ये रही तस्वीर हमारे पास, सही। अब मैं चाहता हूं कि भाई मिसाल के तौर पे मुझे नोट्स कंपोज करने, ठीक है ना, पहले मैं सारा, अच्छा तस्वीर में मैं हटा देता हूँ, बाद में तस्वीर को हम ले आएंगे, ठीक है, हटा दिया। मैं ये चाहता हूँ कि भाई नोट्स के बैकग्राउंड में आपने देखा होगा कि जिस तरह से इस जगह मेरा एरो नजर आ रहा है मूव करता हुआ, है ना, तो यहाँ ICS लिखा हुआ होता है, yes, sir. है ना, यहाँ पे ICS लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर मैं ICS यहाँ पे लिख दूंगा तो ICS लिखने की वजह से, जैसे मिसाल के तौर पे दो तरीके हैं, मैं आपको बताऊं, एक है इंसर्ट में आया, मैं इंसर्ट में आके मैंने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बड़ा बड़ा, जैसे मिसाल ICS ICS कोचिंग लिख के इसका साइज मैंने बढ़ा दिया, ठीक है भाई, ये आ गया ICS कोचिंग। अब मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड में आ जाए, कर दिया मैंने, लेकिन क्या ये हर पेज पे शो हो रहा है? नो सर, नहीं हो रहा ना, जिस पेज पे मैंने किया खाली वही शो हो रहा है, और इसको लगाने की वजह से इसको, चलो मैं इसको आगे रैप टेक्स्ट भी कर देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, ये मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने लगा दिया कोचिंग का, लेकिन अब ये हर पेज पे शो नहीं हो रहा। अब इसको हर पेज पे लगाने के लिए मुझे हर पेज पर जाकर अलग से इसको पेस्ट करना पड़ेगा, हर पेज पर जाकर मुझे इसको, ठीक है ना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसकी वजह से मुझे इसको हर पेज पर ना लगाना पड़े, और ऊपर जो है ना टॉप लाइन के ऊपर कोचिंग का नाम भी लिखा हुआ आता रहे, कोचिंग का लोगो भी लगा हुआ आता रहे, और हर पेज पर इसी तरह से आता रहे, मुझे बार बार ना लगाना पड़े, और यहाँ पर जो है जिस तरह ये बैकग्राउंड में नाम बना हुआ आ रहा है ये भी मुझे बार बार ना बनाना पड़े, हर पेज पर खुद ब खुद आ जाए। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा हेडर एंड फूटर, जो कि यहाँ पे आपके पास मौजूद नहीं होगा, लेकिन इसको लगाने का शॉर्टकट क्या होता है मैं आपको बताऊं कि देखो मैं पेज के टॉप पर आया हूँ, यहाँ पे मेरा एरो नजर आ रहा है यहाँ पे बना हुआ, यस सर, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो, एक मिनट, इसके अंदर फंक्शन नहीं आ रहा, एक्चुअली वर्ड के जो अलग अलग वर्जन होते हैं उसके अंदर अलग अलग शॉर्ट कीज और अलग अलग जो है वो कमांड्स होती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है, एक मिनट मैं देखता हूँ। हेडर फूटर का ऑप्शन इसमें, पेज लेआउट, हेडर एंड फूटर का ऑप्शन इसमें शायद मौजूद नहीं है, चलें बहरहाल उसके लिए मैं फिर दूसरा, नहीं यह रहा, ये रहा, इंसर्ट के अंदर आप आएंगे, इंसर्ट में आके देखो यहाँ हेडर का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है ना, इस पर मैं जब क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन मेरे पास इनेबल हो गया कि टाइप हेयर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे हेडर का ऑप्शन ये रहा, ठीक है, यहाँ पे अब ये मुझे दे रहा है कि आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा बड़ा बड़ा यहाँ पर ICS कोचिंग सेंटर, ठीक है, मैंने उसको
सेंटर लाइन कर दिया, सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए, वरना भी नजर नहीं आ रहा होगा। देखो मैंने बड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है ना। अच्छा ये मैंने लिख दिया, थोड़ा सा इसका मैं स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट का थोड़ा खूबसूरत सा बना देता हूँ, ये बना दिया। अच्छा जी कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, चॉकलेटी कलर मैंने इसका कर दिया, ठीक है भाई। ये हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद मैं जब एस्केप ESC का जो बटन होता है वो जब बटन मैं दबाऊंगा तो ये इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं इसको एरो को देखो मूव कर रहा हूँ बटन दबा के, लेकिन यहाँ से ये मूव नहीं हो रहा। अब जितने पेजेस मैं चेंज करता जाऊंगा, जितने पेजेस में चेंज करता जाऊंगा, देखो हर पेज के हेडिंग पे खुद का खुद लिखा हुआ आ रहा है। Yes, sir. है ना, इसको कहते हैं हेडर, ये हेडर कहलाता है। इसी तरह दूसरी चीज है वाटरमार्क। अब ये वाटरमार्क क्या है ये भी मैं बता देता हूँ बच्चों कि भाई वाटरमार्क जो है, हाँ जी, वाटरमार्क का ऑप्शन हमारे पास लेआउट के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन इस वाले वर्जन के अंदर मौजूद नहीं है। इसके अंदर हमारे पास डिजाइन के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, 2010 का, क्योंकि सारा सिस्टम हमारे बुक के अंदर मौजूद है, मगर ये जो ऑफिस है ये 2016 है, तो इसमें फंक्शन थोड़े से आगे पीछे हैं, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और फंक्शन का नाम याद रखेंगे ना तो आपको सब इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा। ये रहा वाटरमार्क, नजर आ रहा है ये ऑप्शन वाटरमार्क का? Yes, sir. ठीक है, अब मैंने वाटरमार्क पे क्लिक किया। अब ये मुझसे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि भाई किस तरह का लगाना है, इस तरह सीधा लगाना है, सेंटर में लगाना है, या क्रॉस में लगाना है, किस तरह लगाना है। तो मैंने ऐसे सिलेक्ट किया कि भाई इस तरह से मुझे लगाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ आ रहा है कॉन्फिडेंशियल, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे भाई ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ ना है बल्कि मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मैं कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन में आया, इसी के अंदर आके मैं आया कस्टम वाटरमार्क, ये कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन में आया। अब ये मुझे कह रहा है कि आपने टेक्स्ट क्या लिखना है, तो टेक्स्ट के ऑप्शन में मैं आया और आकर मैंने लिख दिया ICS कोचिंग सेंटर, ठीक है ना। अब मुझसे कह रहा है फॉन्ट कैसा होना चाहिए, फॉन्ट मैंने कैम्ब्रिया रख दिया। कैम्ब्रिया मैं कहां गया भाई, कैम्ब्रिया कैम्ब्रिया किधर चला गया, या कॉपर ब्लैक रख दिया एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये भी ऐसे ही फॉन्ट होता है, ठीक है। अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई जब मैंने किया तो देखो बच्चों क्या पीछे वही चीज बनी हुई आ गई, नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब मेरे बच्चों मैं जितने पेजेस पे चला जाऊं, मैं हर पेज चेंज करता जाऊं, पेज चेंज करता जाऊं, चाहे मैं 100 पेजेस पे चला जाऊं, तो ये जो वाटरमार्क है ये भी खुद ब खुद आता रहेगा, ये जो ऊपर हेडिंग है कोचिंग सेंटर की ये भी खुद ब खुद आती रहेगी, मुझे हर पेज के ऊपर ये अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मैं 1,00,000 पेजेस लिख लूं, चाहे मैं 1,000 पेजेस लिख लूं, बस मैं अपना काम करता जाऊंगा और बाकी जितना भी है सारा का सारा खुद ब खुद हर पेज के ऊपर हेडर और फुटर लगता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हेडर फुटर क्या है मैं आपको बता दूं, हेडर तो ये है जो ऊपर की जो मैंने हेडिंग डाली है ICS कोचिंग सेंटर की, फुटर कहते हैं यहाँ पे बेसमेंट के अंदर, यहाँ जो हाँ जो नीचे यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है या ऑथर का नेम लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, अंडर द सुपरविजन ऑफ सर शाहिद एंड सर वसीम, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। और मैं चाहता हूँ कि राइट कॉर्नर के अंदर ये लिखा हुआ आता रहे, ठीक है, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं इसका चेंज कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक है ना। अब मैंने ESC का बटन दबाया, देखो ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया। और हर पेज के ऊपर जितने पेज मैं लिखता जाऊंगा, जितने पेज में चेंज करता हाँ सेंटर में सही रहेगा। चलो सेंटर में कर देते हैं इसको, कंट्रोल ई किया, ये सेंटर में आ गया, ठीक है ना, ये लो भाई सेंटर में कर दिया। अब जितने पेजेस में चेंज करता रहूंगा, जितने पेजेस से मैं जाता रहूंगा, हेडर भी आता रहेगा और फुटर भी आता रहेगा और सेंटर में ICS कोचिंग सेंटर भी लिखा हुआ आता रहेगा।
अब इसमें एक चीज और है मेरे बच्चों कि अगर मैं चाहूं कि हर पेज के ऊपर पेज नंबर भी आए, अब मैं इसके ऊपर अपनी बात को एंड करूंगा और मजीद ऑप्शन भी है लेकिन वो सारे एक साथ समझ में आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं चाह रहा हूं कि हर पेज पर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पेज नंबर भी आता रहे, तो इसका सिंपल तरीका है भाई कि फूटर के ऊपर मैं आया, आने के बाद मैंने कॉर्नर के अंदर, जैसे एक कॉर्नर में सर शायद सर वसीम आ गया, एक कॉर्नर के अंदर यहां पे मैं चाह रहा हूं कि भाई हर पेज का पेज नंबर आता रहे, तो मैं इन होम पर आऊंगा। होम पे आने के बाद ये रही यहां पे नंबरिंग, ठीक है ना, ये जैसे मिसाल के तौर पर ये आ गया बना हुआ, ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट साइड पे पेज नंबर नजर आ रहा है, है ना। yes, sir. जितने पेज में चेंज करूंगा हर पेज के ऊपर पेज नंबर आता रहेगा, शो होता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको चेंज कर, सब पे वन ही लिखा हुआ, हाँ मैं वही आपको बताने वाला हूँ, सब पर वन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसको जो है वो चेंज करूं तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है वो फूटर पे आइए और आने के बाद इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर ही पेज नंबर का ऑप्शन मौजूद है, ये रहा मेरे पास, ठीक है ना, ये रहा पेज नंबर, ये आ गया। टॉप ऑफ द पेज डालना है, बॉटम ऑफ द पेज डालना है, हमें बॉटम पे डालना है, नीचे डालना है, ठीक है ना। तो हमने ये ऑप्शन ले लिया कि भाई यहाँ पे पेज नंबर शो होना चाहिए, हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसका साइज जो है वो थोड़ा सा पेज नंबर का बड़ा कर दिया कि भाई पेज नंबर का साइज थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए, ठीक है जनाब, ये आ गया पेज नंबर का साइज बना हुआ। और वो जो सेंटेंस था हमारा, हम चाह रहे हैं कि वो भी बना हुआ आए, तो उसके लिए हमने लिख लिया अंडर द, या शॉर्टकट, अभी टाइम बहुत कम है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये देखो इनको मैंने सेंटर में कर दिया, पेज नंबर जो है वो लेफ्ट साइड पर मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको एस्केप कर दिया, ESC का बटन दबा दिया। अब मैं पेज चेंज करता जाऊंगा हर पेज के ऊपर, देखो बच्चों पेज नंबर भी चेंज होता जाएगा और वो जो मैंने लिखा है सर शायद सर वसीम वो भी लिखा हुआ आता रहेगा, खुद ब खुद पेज नंबर चेंज हो रहा है। यस सर, ये है इसका फंक्शन और बड़ी कमाल की चीज है एमएस वर्ड। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वो सारा का सारा जो काम है ना बच्चों, वो इसी एमएस वर्ड के जरिए किया जाता है। और यकीन करें आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे, आप जब चलाना सीख जाएंगे ना, तो आपको हाथ से ज्यादा इस पे काम करना आसान लगेगा। आप बोलेंगे भाई सारा काम छोड़ दो, हाथ से करने के बजाय हम सारा काम इस पे करें, और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, अपना काम भी आप इस पे कर सकते हैं। अब देखिए ना कितना खूबसूरत एक लुक आ गया पेज का, कि मैं जो चाहूं इसके जरिए कर सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने नोट्स बना सकता हूं, मैं अपने जो है वो कोई भी लेटर लिख सकता हूं, अपना जो है वो एप्लीकेशन लिख सकता हूं, और बैकग्राउंड में, हेडर में, फुटर में मेरा नाम आ रहा होगा, हर जगह पे मेरे सेंटर का नाम आ रहा होगा। तो इसी तरह से जो कोचिंग के नोट्स हैं वो भी बनाए जाते हैं, या जो पेपर्स हैं वो बनाए जाते हैं, सारा का सारा कंपाइलेशन का जो काम है ना वो एमएस वर्ड के जरिए ही किया जाता है। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई भाई? यस सर। तो लिहाजा आप जिसके पास कंप्यूटर है वो अपने घर पे लाजमी प्रैक्टिस करें, और जिनके घर पे कंप्यूटर नहीं है वो इंशाल्लाह जब सेंटर में आएंगे तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन ये बताओ बच्चों, ईमानदारी से बताना कि क्या एमएस वर्ड पढ़ने में, समझने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सर आ रहा है। कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा? सर सीखने को मिल रहा है। और ये इंशाल्लाह आपकी लाइफ में आपके बहुत काम आएगा, जब आप आगे जाओगे ना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या यूनिवर्सिटी लेवल पर जाओगे तो आपको असाइनमेंट्स बनाने होंगे, आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा ये फायदेमंद साबित होगा। और बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा इसको मैं रिवीजन इसकी करवाऊंगा, फिर आगे के मजीद जो फंक्शंस हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसको फिर कल हम जो है बाकायदा कोई नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, या कोई जो है वो इस तरह की स्टोरी राइटिंग वगैरह हम करेंगे जिसमें फॉर्मेटिंग वगैरह का काम भी हम करेंगे, जैसे कि हेडिंग लगाना है, कलर चेंज करना है, स्टाइलिंग है और लाइन नंबर है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक कि उसमें अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। नो सर, कोई सवाल नहीं। ठीक है भाई, यहाँ पे अपना लेक्चर आज हम एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ और नए जो है वो चीजों के साथ।
तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।